हेलो एवरीवन, इन आर टुडेज़ वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि एक पर्सन की अगर जब वो अरेस्ट होता है तो उस अरेस्टेड पर्सन की राइट्स क्या हैं पुलिस ऑफिसर के सामने। ठीक है, तो हमारा आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एलिसिडेट द राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन अंडर सीआरपीसी विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट प्रोविजंस एंड केस लॉस। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या बताता है कि अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं पुलिस ऑफिसर के द्वारा तो आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप क्या क्या राइट्स अवेल कर सकते हैं और आप किस किस एक्सप्लॉयटेशन से अपने आप को बचा सकते हैं, विच मे बी डन बाय पुलिस ऑफिसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन में हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करने हैं, जिसमें सबसे पहला है कि सीआरपीसी प्रोवाइड फॉर पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट विथ और विदाउट वारंट। अब यहाँ पर सीआरपीसी के पास पावर है, सीआरपीसी के अंडर पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकता है आपको वारंट के साथ या बिना वारंट के साथ, तो वो अलग अलग केसेस बताए गए हैं। ठीक है, अब अगर अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर पर्सन अरेस्ट भी हो जाता है तो कुछ उसके सर्टन फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर जो उसके राइट्स वॉयलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं राइट्स के वो राइट्स को और कुछ सीआरपीसी ने दिए हैं, वो राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन शुड नॉट बी वॉयलेटेड। उन राइट्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा चाहे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करे और ना करे। ठीक है, मतलब पुलिस ऑफिसर के अरेस्ट करने पर भी वो अक्यूज पर्सन इस राइट्स को अवेल कर सकता है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि वो राइट्स कौन से हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, सबसे पहला है कि नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट और फोर्स टू बी यूज्ड। तो सेक्शन 49 एंड सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी ये बताते हैं कि जब पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करेगा तो आपके हाथ में जो हथकड़ी पहनाई जाती है वो दैट इज़ नॉट अलाउड। वो अगर आप वॉलेंटरली तैयार हो उसके साथ पुलिस ऑफिसर के साथ चलने के लिए, तो पुलिस ऑफिसर की कोई पुलिस ऑफिसर आपको अननेसेसरी फोर्स के साथ हथकड़ी पहनाकर नहीं ले जा सकता। ठीक है, वो कोई भी ऐसा फोर्स आपके ऊपर एक्सरसाइज नहीं कर सकता जिससे कि आपको हानि पहुंचे, इफ यू आर वॉलंटरली सरेंडरिंग योर सेल्फ बिफोर द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, अगर आप खुद बोलते हो पुलिस ऑफिसर को, उसके साथ कॉपरेट करते हो, तो वो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट या फोर्सेस आपके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता, आपको मार नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता वो अगर आप उसके साथ कॉपरेट करते हो तो। ठीक है, देन कम्स द सेकेंड राइट, दैट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल। अब जैसे ही आप अरेस्ट होते हो तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है और आपका ये अधिकार है कि आप पुलिस ऑफिसर से पूछें कि आपको किस ऑफेंस में अरेस्ट किया है, किस अपराध में आपको अरेस्ट किया है और क्या ये अपराध जो है वो जमानती अपराध है, क्या ये अपराध बेलेबल है, अगर ये जमानती अपराध है या गैर जमानती अपराध है। अगर ये जमानत वाला अपराध है जिसमें बेल हो सकती है तो फिर आप उस केस में पुलिस ऑफिसर पुलिस से पूछेंगे और उसी हिसाब से फिर आप पुलिस ऑफिसर को बोलेंगे कि आप मुझे एडवोकेट से बात कराइए, जो कि हम अगली राइट में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और राइट टू बेल के बारे में, सेकेंड राइट है। तीसरा राइट है अपना राइट टू इन्फॉर्म एनी रिलेटिव और फ्रेंड अबाउट द अरेस्ट। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आप अरेस्ट हुए हो तो ये आपका अधिकार है कि आप पुलिस ऑफिसर से बोलें कि वो इस अरेस्ट के बारे में आपके घर वालों को और आपके दोस्तों को बता दें। अगर घर वाले नहीं हैं तो आपके किसी खास फ्रेंड को इन्फॉर्म कर दें कि आप अरेस्ट हुए हो इस ऑफेंस में। ठीक है, ये उसकी ड्यूटी बनती है पुलिस ऑफिसर की और ये आपका अधिकार है कि आप उनको बोलें कि आप पहले मेरे घर पर इन्फॉर्म करो। ठीक है, एज पर सेक्शन 50A and 41B ऑफ सीआरपीसी। देन कम्स नेक्स्ट राइट, दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है या आपको कोई भी डिसीज़ है जो मतलब अरेस्ट के टाइम पे आप फेस कर रहे हैं और उस सिचुएशन में आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो यहाँ पर पुलिस कस्टडी के अंदर आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी को ध्यान में रखकर पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो डॉक्टर्स को बुलाए, आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराए और उस केस में आप पुलिस ऑफिसर आपका ये अधिकार है कि आप पुलिस ऑफिसर से बोल सकते हैं कि आप मुझे मेरा ट्रीटमेंट कराइए, मैं वरना बीमार हो जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, आपकी जैसी भी सिचुएशन हो उस हिसाब से। ठीक है, तो एंड दिस वॉज एक्सप्लिसिटली हेल्ड इन द केस ऑफ नीलावती बेहरा केस बाय सुप्रीम कोर्ट, वेयर इन दैट इट वॉज हेल्ड दैट अ पर्सन इज सब्जेक्टेड टू कस्टडी ऑफ पुलिस अंडर अरेस्ट, द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज हेल्थ एंड सेफ्टी लाइज अपॉन द पुलिस इटसेल्फ। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी प्रॉपर प्रोटेक्शन को इंश्योर करे, हेल्थ एंड सेफ्टी को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट राइट पे, दैट इज़ राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट। अब ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो सेक्शन 56 और सेक्शन 76 के अकॉर्डिंग उस अरेस्टेड पर्सन को पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उस अरेस्टेड पर्सन को जिसको उसने गिरफ्तार किया है वो 24 घंटे के अंदर अंदर फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट
24 घंटे के अंदर अंदर वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दे, और फिर वहाँ से वो मजिस्ट्रेट से रिमांड लेते हैं कि हम इसको, मतलब रिमांड लेके फिर वो टाइम लेते हैं कि हम इनको, हमको और जांच पड़ताल करनी है और इसको हमको कस्टडी में रखना है, पुलिस कस्टडी में, इस बात का वो रिमांड लेते हैं। बट पहले वो पहले बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो सिर्फ आपको 24 घंटे तक ही रख सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस और सॉरी वो हाँ आपको 24 घंटे तक रख सकते हैं, और इस 24 घंटे में जो आप, मतलब आपके पुलिस स्टेशन से जो मजिस्ट्रेट कोर्ट तक आपको ले जाया जाएगा उसका जो भी टाइम होगा वो इसमें नहीं जोड़ा जाता है, वो एक्सक्लूड किया जाता है। तो ये हो गया 24 घंटे, मतलब आप पुलिस कस्टडी में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। ये आपका अधिकार है कि आपको आपको उनसे बोलना है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें 24 घंटे के अंदर अंदर। देन है राइट टू कंसल्ट एडवोकेट, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। तो एज पर सेक्शन 41D, जब आप पुलिस ऑफिसर से पूछेंगे कि मेरा कौन सा अपराध है और क्या ये जमानती अपराध है, और उस अपराध को जानकर आप पुलिस ऑफिसर से बोल सकते हैं कि मुझे फलाने एडवोकेट से मेरी बात कराइए, मुझे एडवोकेट से कंसल्ट करना है। बिफोर आस्क, ड्यूरिंग द इंटरोगेशन, कुछ भी वो पुलिस ऑफिसर आपसे पूछ रहा है तो आप अपने एडवोकेट से सलाह ले सकते हैं, ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है, उसके, और ये आपका अधिकार है। देन अब ये सारे अधिकार हैं आपके, जिसमें जो एक आम आदमी को नहीं पता होते हैं कि जब भी वो अरेस्ट होता है तो उसके पास ये सारे अधिकार होते हैं, जिसको वो अवेल करके अपनी जान बचा सकता है, पुलिस ऑफिसर के एक्सप्लॉयटेशन से बच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर और ये सारे अधिकार कानून में दिए हुए हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर ये जो सेक्शंस मेंशन करे हैं मैंने, उन सारे सेक्शंस में ये अधिकार हैं, ठीक है। जैसे कि एडवोकेट को कंसल्ट करना, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होना, हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना, ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, आपके आपके घर वालों को इन्फॉर्म करना और आपको बताना कि आपने आपको कौन से अपराध के लिए अरेस्ट किया है, और सबसे और लास्ट ये है कि वो कोई भी ऐसा अननेसेसरी फोर्स ना यूज़ करें जिससे कि आपको हानि हो सकती है, अगर आप वॉलेंटरली उनको उनकी हर कही हुई चीज़ के लिए कॉपरेट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि बहुत लोगों के माइंड में आता है, और बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि जब हम अरेस्ट हों, या कोई भी पर्सन, वैसे तो ना कभी नहीं होना चाहिए, बट अगर होता है तो उसको ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेने चाहिए, क्योंकि ये उसके अधिकार हैं जो लोगों को नहीं पता होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड। तो गुड बाय, थैंक यू।